श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् कृष्णं वन्दे मध्वपाशधरं दिव्यार्भकाकृतिं शिखाबन्धत्रयोपेतं भीष्मीमध्वकरार्जितं तपःस्वाध्यायशुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे मयूराट्चक्रवर्तिनम्। आज हम सब भगवत गीता के बारे में कुछ जानना चाहिए। भगवत गीता जो है ये महाभारत बोल के वेदव्यास रूपी परमात्मा से जो निर्मित हुआ महान ग्रंथ है उसका एक हिस्सा रूप में आए हुए ग्रंथ है भगवत गीता। हम पहले महाभारत का गरिमा जानना चाहिए तो महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारत उच्यते बोल के महाभारत को वर्णन करने वाले एक वाक्य है। महाभारत जो है वो बहुत महत्व है, वैसे बहुत भार भी है। भार है मतलब लक्ष्य श्लोकात्मक है, उसके लिए भार भी है, और जो उसमें अर्थ है वो भी बहुत भार है। अर्थ में भार होना के मतलब क्या है बोले तो जो जो मौल्य अर्थ है उन सबको प्रतिपादन करने हुए ग्रंथ है, उसके लिए उसका अर्थ भी बहुत भार है। उसके लिए है महाभारत बोल के नाम वो ग्रंथ को प्राप्त हुआ है। वैसा महाभारत ग्रंथ से आया हुआ एक ग्रंथ है भगवत गीता। भारतम सर्वशास्त्रेषु भारते गीतिकावरा विष्णोः सहस्रनामापि ज्ञेयं पाठ्यञ्च तद्वयम् बोल के ये वाक्य क्या बोलता है बोले तो सर्वशास्त्र में महाभारत बहुत श्रेष्ठकर शास्त्र है। वो महाभारत में भी जो प्रमुख स्थान प्राप्त करने हुए जो अंश है बोले तो एक भगवत गीता है और एक विष्णु सहस्रनाम है। उसमें एक जो भगवत गीता है उसके बारे में किंचित विषय आज हमें जानना चाहिए। ये महाभारत से विनिश्रित हुआ ये भगवत गीता हमें सब भारतीयों का अत्यंत धार्मिक ग्रंथ है, अत्यंत सरल ग्रंथ है और अत्यंत संक्षिप्त ग्रंथ है। बोले तो सिर्फ 700 श्लोक में, सप्तशती बोल के इसका नामांतर है, सिर्फ 700 श्लोक में जो जो संशय आना चाहिए आदमी जो मनुष्य को जो जो संशय आते हैं वही सभी संशयों को नाश करने वाली उत्तरदायक वाली ये ग्रंथ है, ये भगवत गीता ग्रंथ है। उसके लिए ये बहुत धार्मिक ग्रंथ है बोल के सभी भारतीयों हमें ये ग्रंथ को पूजा करते हैं। ऐसा ये भगवत गीता में जो जब कृष्ण परमात्मा चौथे थे, जब यशोदा मैया को उनके मुंह में सभी ब्रह्मांड को दिखाए, छोटे हुए मुंह में सभी ब्रह्मांड को दिखाते हैं, वैसे छोटे हुए ये भगवत गीता बोल के ग्रंथ में सभी संशयों का नाशन करने वाली उत्तरों को कृष्ण परमात्मा जी ने ये भगवत गीता ग्रंथ में निरूपित करते हैं। वैसा ये ग्रंथ को इतोपि बहुत अधिक महात्म्य क्यों है बोले तो या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता बोले तो वेदव्यास रूपी परमात्मा जी ने ये ग्रंथ को रचन करते हैं और कृष्ण परमात्मा जी ने ये ग्रंथ को उपदेश करते हैं, तो दो भगवत रूप से आया हुआ ग्रंथ है उसके लिए इसको इतना महत्व है। वैसा भगवत गीता में कृष्ण परमात्मा बहुत संशयों को उत्तर देते हैं। वहां एक विषय आज हमें देखेंगे, जब गीता युद्ध प्रारंभ होने का समय है, कौरव सैन्य और पांडव सैन्य दो सैन्यों की युद्ध करने के लिए सन्नद्ध है, उस समय में अर्जुन बोलता है कृष्णा एक बार जाके मुझे देखना चाहिए, जो जो आदमी हमारे साथ आज युद्ध करने बोल के सन्नद्ध है उनको मुझे देखना चाहिए बोल के अर्जुन ने कृष्ण परमात्मा जी को जब बोलता है तब कृष्ण परमात्मा क्या करते हैं, वो रथ को लेके दो सैन्यों के बीच में खड़ा के अर्जुन को दिखाते हैं ये जो आदमियां हैं भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्माचार्य है, द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामाचार्य है और तेरा भाई दुर्योधन दुशासन, ये सभी लोग आज हमें हमारे साथ युद्ध करने के लिए यहाँ उपस्थित है बोल के कृष्ण परमात्मा वो दृश्य को दिखाए, रथ को बीच में खड़े करके ये दृश्य को दिखाते हैं।
तब अर्जुना बहुत अर्जुन को बहुत दुख होता है, दुख होके बोलता है कृष्णा मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हम अगर युद्ध में जीते भी तो कैसे जीते हैं, इन सभी हमारे परिवार लोगों को भीष्म द्रोण आदि जो आचार्य है उनको सबको मार के हम ये युद्ध जीतना चाहिए, तो जब हम युद्ध जीतते हैं फिर भी ये लोग हमारे साथ नहीं होंगे तो उसके लिए मुझे ये युद्ध में हारे तो भी परवाह नहीं है, मैं युद्ध नहीं करूंगा बोल के अर्जुना कृष्ण परमात्मा को जब बोलता है तब कृष्ण परमात्मा पूछते हैं अर्जुना तेरे ये दुख को कारण क्या है, बोले तो जो सामने दिखाई दे रहा है भीष्म द्रोणाचार्यों का शरीर, ये शरीर नाश होता है बोल के तुम्हें दुख हो रहा है, या उनका भीष्म द्रोण दुर्योधन दुशासन जो है इनका आत्मनाश होता है बोल के तुम्हें दुख हो रहा है, ऐसा दो विकल्प करके ये दो प्रसंगों में दुख करने के लिए उचित नहीं है बोल के कृष्ण परमात्मा अर्जुन को उपदेश करते हैं, क्योंकि पहले देखेंगे आत्मनाश ही नहीं होता है क्योंकि आत्म जो है वो नित्य है, कृष्ण परमात्मा बोलते है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयत्यापः न शोषयति मारुतः, ये जो आत्म है ये आत्म को शस्त्र जो भी घायल नहीं कर सकते है, और नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः जो अग्नि में ये शरीर ज्वलन होते समय में भी जो आत्म अंदर है उसे कुछ भी नहीं होता है, न चैनम क्लेदयत्यापः और अगर पानी में ये शरीर को डुबाते हैं तो भी आत्म को कुछ भी नहीं होता है, न शोषयति मारुतः और वायु भी ये आत्म को कुछ भी शोषण नहीं कर सकता है, वैसा बोल के क्योंकि ये आत्म नित्य है अर्जुन तो आत्म नाश होता है बोल के तुम्हें कुछ भी दुख चिंता नहीं करना चाहिए, और शरीर जो सामने दिखाई हुआ शरीर है ये शरीर नाश होता है बोल के तुम्हें दुख हो रहा है बोले तो इसे इस विषय में भी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, जब एक आदमी को उसका वासांसि बोले तो उसका कपड़े जो नाश होते हैं पुरानी जो कपड़े हैं वो विसर्जन करके जो तब जो नया कपड़े पहनता है वो उससे तो वो आदमी को दुख नहीं होता है बल्कि उसको संतोष ही होता है, वैसा ये आत्म के कपड़े के जैसा ये जो शरीर है ये एक शरीर नाश होके और एक शरीर प्राप्त हुआ तो उसके दूसरा नया शरीर प्राप्त हुआ बोल के उसको आत्म को भी संतोषी होता है दुख नहीं होता है, उसके लिए हमें दुख ये शरीर नाश होता है बोल के दुख नहीं होना चाहिए, और एक दृष्टांत भी देते हैं कृष्ण परमात्मा, जो हमें यौवनावस्था में जो शरीर बाल्यावस्था में जो शरीर है वो यौवनावस्था में नहीं होता है, तो बाल्यावस्था में जो शरीर है वो नाश होके यौवनावस्था में जो शरीर चाहिए वो शरीर हम प्राप्त करते हैं उससे हमें संतोष ही होता है बल्कि न दुख होता है, वैसे जो यौवनावस्था में जो शरीर है वो जरावस्था में चले जाके दूसरा शरीर आता है उसे भी हमें दुख नहीं होता है, तो ऐसा जो शरीर नाश से जो दुख आना प्रसंग है वो प्रसंग ही नहीं है, उसके लिए शरीर नाश होता है बोल के भी तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए बोल के कृष्ण परमात्मा बोले तो अर्जुन पूछता है तो ये शरीर नाश को भी दुख नहीं है और आत्मनाश में भी दुख नहीं है, बोले तो मुझे चिंता तो हो रहा है ना उसको क्या मूल है उसका कारण क्या है बोल के अर्जुन जब पूछता है तब कृष्ण परमात्मा जी ने उत्तर देते है ये दुख के मूल कारण क्या है बोले तो ममकार अहंकार ये शरीर ही मैं हूँ नहीं तो ये शरीर मेरा ही है आत्म का ही शरीर है आत्मा और शरीरों को अभेद है बोल के जो अहंकार ममकार है उससे ही हमें बहुत दुख हो जा रहा है, जब हमें वो उन दोनों का आत्मा और शरीरों का व्यत्यास जानते हैं हम तब हमारे जो दुख के कारण है अहंकार ममकार वो निकल जाता है तब हमें दुख नहीं पहुंचता है बोल के ऐसा बहुतों उपदेशों देते हुए कृष्ण परमात्मा ये भगवद गीता बोले को उत्तरदायक ग्रंथ बोल के इसे हम शास्त्र में देख सकते हैं, वैसा ये भगवद गीता केवल अर्जुन के लिए उपदेश किया हुआ ग्रंथ नहीं है किंतु हमें सब लोगों को भी उपदेश ये ग्रंथ से मिलता है, क्या है बोले तो हमारे ये शरीर में भी ये शरीर एक कुरुक्षेत्र जैसे है ये शरीर में भी दो पांडव सैन्य है और कौरव सैन्य है,
जो पांडव सैन्य बोले तो दैवी शक्ति और कौरव सैन्य बोले तो आसुरी शक्ति, इन दोनों का भी घर्षण प्रतिरोज चलता रहता है। तब हम भी अर्जुन के जैसे कर्तव्य विमुख होके हम ये युद्ध नहीं करते हैं बोल के पीछे नहीं बैठना चाहिए। अगर हम तब बैठे तो तब भगवद गीता, कृष्ण परमात्मा भगवद गीता जैसे एक महान ग्रंथ जो उपदेश किए हैं, उन ग्रंथ को अध्ययन करते हुए हमें क्या समझना चाहिए, हम कर्तव्य विमुख नहीं होना चाहिए। आसुरी शक्तियों को दबा के, आसुरी शक्तियों को मार के, हमारे अंदर जो दैवी शक्तियां हुई उनको प्रेरित करके हम उत्तम मार्ग, मोक्ष मार्ग को जाना चाहिए बोल के ये उपदेश भी कृष्ण परमात्मा अर्जुन को माध्यम में रख के हम सबको उपदेश देते हैं। ऐसा बोलने वाले भी एक शरीर हम एक वाक्य हम देख सकते हैं, सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। बोले तो ये सर्व उपनिषद शास्त्र वेद जो है ये सर्व एक गाय के रूप में है, ये गाय से भगवद गीता बोल के एक क्षीर को बाहर लाना चाहिए। बोले तो जब एक गाय से एक क्षीर बाहर आना बोले तो दो प्रमुख आदमी चाहिए, एक दोग्धा चाहिए जो क्षीर निकालने वाला दोग्धा आता है वो चाहिए, और एक वत्स चाहिए। वत्स को पहले छोड़ के हम क्षीर बाहर ले सकते हैं। उसके लिए ये उपनिषद बोल के जो गाय है उससे क्षीर, भगवद गीता बोल के जो क्षीर है उसको बाहर लाने में दोग्धा गोपाल नंदन, हाँ साक्षात कृष्ण परमात्मा जी ने वो दोग्ध रूप में तहर के भगवद गीता बोल के जो क्षीर है उसको बाहर लाते हैं, उसको माध्यम में वत्स रूप में अर्जुन को बिठा के अर्जुन को उपदेश करते हुए सभी क्षीर गीतामृतम वो सर्वशास्त्र का जो अर्थ है सार भाग है वैसा उपदेश हम महा भगवद गीता में कृष्ण परमात्मा हमें देते हैं बोल के बोलते हुए इस गीत से हमारे विशेष जो जो शक्तियां है दैवी शक्तियां है उन सबका प्रेरेपण अंदर होना चाहिए बोलते बोलते हुए मेरे इन वाक्यों को भगवंत में समर्पित करता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।